बसमिल्ल रहीम डियर स्टूडेंट्स यू आर वाचिंग एजुकेशनल चैनल के एम सी एच आई एम खालिद महमूद फ्रॉम के एम सी एच फिजिक्स अकैडमी आर सब्जेक्ट इज फिजिक्स ऑफ क्लास टेंथ वी आर सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स टुडे वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर थर्टीन पॉइंट नाइन ऑफ यूनिट नंबर थर्टीन यूनिट नंबर थर्टीन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नंबर थर्टी पॉइंट नाइन इट इज़ टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस सिक्स माइक्रोफेरेड एंड ट माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं एक की कैपेसिटेंस जो है वो सिक्स माइक्रोफेरेड है दूसरे की कैपेसिटेंस जो है वो ट्वेल्व माइक्रोफेरेड है और हमने उनको सीरीज में जोड़ा हुआ है विद अ बैटरी ऑफ ट्वेल्व वोल्ट यानी ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी के साथ उनको जोड़ा है सीरीज़ में फाइंड द एकवलेंट कैपेस्टेंस हमने उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है कम्बिनेशन की फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर और हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आएगा ये भी मालूम करना है और हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये भी हमने मालूम करना है डाटा है हमें गिवन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नंबर वन इसको हम सी वन रख लेते हैं तो ये सी वन कपेस्टेंस हो गई कैपेसिटर वन की ये सिक्स माइक्रोफेरेड है इसके फेरेड बना लेते हैं ये सिक्स इंटू टेन पावर माइनस सिक्स फेरेड बन जाएंगे क्योंकि माइक्रो टेन की पावर माइनस सिक्स होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नंबर टू सी टू रख लेते हैं इसको ये बारह माइक्रोफेरड है इसके भी फेरेड बना लेते हैं ये बारह ज़रफ़ दस की ताकत माइनस छः फेरेड बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स वी वो बारह वोल्ट हमने दिया हुआ है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ई रखते हैं इसको ये हमने मालूम करनी है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्यू ये हमने मालूम करना है वोल्टेज अक्रॉस एकर वी वन मालूम करनी है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू यानी वी टू वो ये मालूम करनी है हमने तो ये चार चीज़ें हमने मालूम करनी है वी नो दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ई इज़ गिवन बाई कि जब सीरीज़ में लगे हुए होते हैं कैपेसिटर तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैप कैपेसिटेंस होती है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि रेसिप्रोकल होता है इक्विलेंस कैपेसिटेंस का वो बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटर नंबर वन प्लस रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटर नंबर टू यानी वन ओवर सी ई इज़ इक्वल टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू जबकि यहाँ पे सी ई क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और सी वन क्या है कैपेसिटेंस ऑफ कपेस्टर नंबर वन है सी टू क्या है कैपेसिटेंस ऑफ कपेस्टर नंबर टू है तो वैल्यूज हमारे पास इन दोनों की हैं सी सी ई हमने निकालना है तो वन ओवर सी वन की जगह पे 6 into 10 पर माइनस सिक्स फेरड आ जाएगा सी टू की जगह पे ट्वेल्व इंटू टेन पर माइनस सिक्स फेरड आ जाएगा इसका एल सी हम ले लेते हैं ये ट्वेल्व इंटू टेन एज पर माइनस सिक्स फेरड आ जाएगा जब हम इस सिक्स इंटू टेन रेस पर माइनस सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास टू आएगा टू वन से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर टू आ जाएगा जब हम 12 इंटू टेन रेज माइनस सिक्स फेरड से डिवाइड करेंगे तो ये वन आ जाएगा और वन को जब इस वन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये वन बन जाएगा तो ये टू प्लस वन थ्री हो जाएगा थ्री ओवर ट्वेल्व इंटू टेन रेज माइनस सिक्स फेरड हो जाएगा थ्री से इस ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे तो ये फोर आ जाएगा हमारे पास तो वन ओवर सी ई इज इक्वल टू वन ओवर फोर इंटू टेन माइनस सिक्स फेरड आ गया तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लें इसका भी रेसिप्रोकल ले लें तो ये सी ई बराबर आ जाएगा फोर इंटू टेन माइनस सिक्स फेरड तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल ली कि फोर इंटू टेन के पावर माइनस सिक्स फेरड है और टेन की पावर माइनस सिक्स क्योंकि माइक्रो होता है तो इस, इसका मतलब ये कि सी ई इज इक्वल टू फोर माइक्रोफेरड आ जाएगा तो इस तरह से हमने उन दोनों कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मालूम कर ली कि वो फोर माइक्रोफेरड बनेगी वन कपेस्टर्स आर अटैच इन सीरीज द चार्ज ऑन ईच कपेस्टर इज द सेम तो हर कैपेसिटर पे एक जैसा चार्ज आता है जब वो सीरीज़ में अटैच होते हैं तो तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू रख लेते हैं उसको ये इक्वल टू होगा क्यू वन इक्ल टू होगा क्यू टू यानी जितना चार्ज क्यू टू के ऊपर होना उतना ही चार्ज क्यू वन के ऊपर होना तो इसलिए हम इसको क्यू रख लेते हैं तो हमें ये मालूम है क्यू निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज़ करनी पड़ेगी तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है तो यहाँ पर क्यू इज़ इक्वल टू सी ई इंटू वी आ जाएगा यानी इक्विवेलेंट कपेस्टन्स लगेगी यहाँ पे वैल्यूज सी ई -E की भी हमारे पास है और वी की वैल्यू भी है तो हम चार्ज मालूम कर लेते हैं कि कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा तो सी ई -E की वैल्यू फोर इंटू टेन पर माइनस सिक्स फेरेड है और वी की वैल्यू बारह वोल्ट है तो ये बारह तरफ चार फोर्टी एट बन जाता है टेन की पावर माइनस सिक्स फेरेड इंटू वोल्ट जो है ये कोलम बन जाएगी क्योंकि चार्ज है चार्ज का यूनाट आना है हमारे पास तो ये टेन की पावर माइनस सिक्स कितना होता है माइक्रो तो इट मीन्स क्यू इज इक्ल टू फोर्टी एट माइक्रोकम तो इसका मतलब ये कि कैपेसिटर वन के ऊपर भी फोर्टी एट माइक्रोकलम चार जान आना है और कैपेसिटर टू जो है उसके ऊपर भी फोर्टी एट माइक्रोकम चार्ज आना है तो इसलिए क्यू वन इज ईक्ल टू क्यू टू इज ईक्ल टू क्यू इज ईक्ल टू फोर्टी एट माइक्रोकम आ गया हमारे पास अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है नो टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वन फार्मूला हमारे पास क्या होता है वी इज ईक्ल टू क्यू ओवर सी होता है तो यहाँ पे क्यू वन लगेगा और ओवर सी वन लगेगा कैपेसिटर वन के लिए तो वी वन उसके लिए अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वी वन हमने रखा तो वी वन इज इक्वल टू क्यू वन ओवर सी वन आ जाएगा क्यू वन कितना है वो क्यू के बराबर है फोर्टी एट माइक्रो कोलम था तो फोर्टी एट इंटू टेन माइनस सिक्स कोलम बन गया और सी वन क्या है कैपेसिटेंस कैपेसिटर नंबर वन की वो सिक्स माइक्रो फैरड थी यानी सिक्स इंटू टेन माइनस सिक्स फैरड तो टेन की पावर सिक्स टेन की पावर सिक्स से कैंसिल हो जाएगा 48 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा तो 8 वोल्ट आ जाएगी वोल्टेज कैपेसिटर नंबर वन के अक्रॉस नॉट टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नंबर टू वी टू हमने उसको रखा था तो वी टू इज़ इक्वल टू क्यू टू ओवर सी टू आएगा क्यू टू तो क्यू के बराबर है और सी टू हमें मालूम है वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्यू टू की वैल्यू उतनी ही है फोर्टी एट इंटू टेन पर माइनस सिक्स कोलम चार्ज दोनों के ऊपर बराबर है लेकिन कैपेसिटर सी टू जो कैपेसिटी कैपेसिटेंस है क्वेश्चन नंबर टू की वो बारह ज़रूर दस की ताकत छः फ़ेरड है तो दस की ताकत माइनस छः दस की ताकत माइनस छः यानी बारह ज़रूर दस की ताकत माइनस छः फ़ेरड है तो माइनस छः की पावर ऊपर है दस की और माइनस छः पावर नीचे है दस की तो ये कैंसिल हो जाएगी आपस में तो ये फोर्टी एट को जब ट्वेल्व पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फोर तो कोलम ओवर फैरर जो है ये वोल्ट बन जाएंगे क्योंकि इधर वोल्टेज है तो वोल्ट का यूनिट वोल्टेज का यूनिट आना है तो इसलिए वी टू इज़ इक्ल टू फोर वोल्ट होगा तो इस तरह से हमने ये मालूम कर लिया कि जो कैपेसिटर वन है उसके अगेंस्ट अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना है वो आठ वोल्ट होना है और जो कैपेसिटर टू है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना है वो फोर वोल्ट होना है और जो टोटल चार्ज स्टोर होना है वो ईच कैपेसिटर के ऊपर यानी पहले कैपेसिटर के ऊपर भी फोर्टी एट माइक्रो माइक्रोकलम होना है दूसरे के ऊपर भी 48 एट माइक्रोकलम होना है और जो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटेंस है वो भी हमने निकाल लिया है कि वो 4 माइक्रो माइक्रोफेरड बननी दस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नंबर वन इज एट वोल्ट्स एंड कैपेसिटर नंबर टू इज़ फोर वोल्ट्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ फोर माइक्रोफेरड एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज फोर्टी एट माइक्रोकलम तो इस तरह से हमने क्वेश्चन के आंसर दे लिए उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी खुद भी देखें दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें मेरी तरफ़ से ला हाफ़ शाद रहें आबाद रहें